हेलो बच्चों, वेलकम टू अपना करियर यूट्यूब चैनल। हमारे इस चैनल पर जो है मैथमेटिक्स का फ्री ऑफ कास्ट तैयारी कराया जा रहा है। इसमें हम लोग शुरू कर रहे हैं नंबर सिस्टम से। तो अगर आप लोग इस सेशन को पूरा करते हैं तो आप लोगों के एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न फंसने वाला नहीं है, सभी के सभी प्रश्न आप लोग सॉल्व करके आएंगे। इसमें हम लोगों ने मैथमेटिक्स के सेक्शन को जो है कॉन्सेप्ट में, फिर उसके बाद कितने टाइप के उसके प्रश्न पूछे जाते हैं, और फिर उसके बाद जो है उन टाइप के प्रश्नों का जो है प्रैक्टिस कराया जाता है। तो इतना अगर आप लोग हर एक चैप्टर से कर लेते हैं तो आप लोगों के एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न फंसने वाला नहीं है, ठीक है। सभी क्वेश्चन आप लोगों के सॉल्व होने वाले हैं। तो आप लोग जो है इस सेशन को ज़रूर पूरा कीजिए ताकि आप लोग अपने एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएँ। और अगर आप लोगों को इस वीडियो का, अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो PDF हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें हम लोगों का आज का पहला हमारा लेशन है नंबर सिस्टम। हम लोगों की शुरुआत नंबर सिस्टम से हो रही है। इसके बाद जो है सीक्वेंसली सभी चैप्टरों के, एक दूसरे से रिलेटेड जितने भी हैं, सभी चैप्टरों के आप लोगों को जो है प्रैक्टिस कराए जाएंगे, उन सभी को सॉल्व कराया जाएगा। तो आप लोग हमारे साथ जरूर निरंतर बने रहिए, लगातार बने रहिए। तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर सिस्टम के पहले कुछ कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद जो है हम लोग प्रश्नों के टाइप पर चलेंगे, फिर उसके बाद उन टाइप पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो इतना अगर आप लोग कर लेते हैं तो बेहतर आप लोगों की मैथ हो जाएगी। तो चलिए इसमें देखते हैं नंबर सिस्टम में हम लोग। तो नंबर सिस्टम में पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में जान लेते हैं कि कुछ बेसिक सी चीज़ें होती हैं नंबर सिस्टम को जानने की। तो उनको हम लोग जान लेते हैं कि क्या होता है। तो इसमें एक है डेसिमल सिस्टम, यानी दशमलव अंकन प्रणाली। क्या होता है तो इस पद्धति में होता क्या है कि जो हमारे डिजिट हैं 0 से 1, 2, 3 ऐसे कितना 9 तक जितने भी डिजिट हैं, इन सभी डिजिट का प्रयोग करके जिन नंबर्स का निर्माण होता है, यानी जिन संख्याओं को बनाया जाता है, ठीक है, वो सब क्या होते हैं, वो सब डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। जैसे कोई भी नंबर्स आप 122 ले लीजिए, ठीक है, एग्जांपल के तौर पर कोई भी नंबर्स आप ले लीजिए, 122, 121 या फिर 300 ले लीजिए या 400 ले लीजिए, कोई भी नंबर्स आप लोग ले लीजिए। तो यहाँ पर जो है ये सभी नंबर्स किसके अंतर्गत बनाए गए, ये दशमिक अंकन प्रणाली यानी डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत ये सब लिखे जाते हैं। तो ये होता है क्या कि जो अंक होते हैं 0 से लेकर 9 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक जो भी अंक होते हैं, इनका प्रयोग करके जो संख्याओं का निर्माण होता है वो किस में होता है, वो दशमिक अंकन प्रणाली में होता है। और फिर इसके बाद अगर हम लोग जो है रोमन अंकन प्रणाली की बात करें, यानी रोमन सिस्टम की बात करें, तो रोमन सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पर संकेतों का प्रयोग किया जाता है। जैसे 1 के लिए जो है यहाँ पर इस आई का प्रयोग किया जाता है, फिर उसके बाद 2 के लिए संकेत का, इसी तरह से जो है अगर आप लोग देखें तो 10 तक जो है इस एक्स का प्रयोग किया जाता है, और 50 को जो है एल से, और फिर 100 को जो है सी से दर्शाया जाता है। और फिर उसके बाद अगर हम लोग कुछ परिभाषाओं की बात करें, ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो वस्तुओं को गिनने वाली जो संख्याएं होती हैं, यानी जितनी भी काउंटिंग नंबर्स होती हैं, ठीक है, काउंटिंग नंबर्स यानी जितनी भी होती हैं वस्तुओं को, यानी गिनने के लिए हम जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उनको क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएँ कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी वस्तु को अगर हम गिनना शुरू करते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं, तो हमेशा 1 से शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से हम संख्याओं को गिनते चले जाते हैं। कभी आप लोगों ने किसी भी वस्तु को गिनने के लिए 0 का प्रयोग नहीं किया होगा। जैसे किसी भी वस्तु को गिनना है तो कभी नहीं गिना होगा 0, 1, 2, 3। आपने जब भी गिनना शुरू किया तो कहाँ से शुरू किया, 1 से शुरू किया। कहाँ से शुरू किया है, 1 से, और फिर उसके बाद जो है आगे गिनते चले गए, जैसे 2, 3, 4 इस तरह से आगे गिनते चले गए। तो इन सभी नंबर्स को, यानी जहाँ से हम गिनना शुरू करते हैं और जहाँ तक गिनते हैं, ठीक है, वो सब नंबर्स हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। और प्रारंभ में क्या हुआ, इन्हीं संख्याओं का विकास हुआ, इसी वजह से इनको प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं में क्या होता है, जो गिनने वाली संख्याओं का एक सेट बनता है, उन सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। और नेचुरल नंबर को कैपिटलियन से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटलियन से प्रदर्शित करते हैं। और फिर अगर हम लोग पूर्ण संख्याओं की बात करें कि पूर्ण संख्याएँ क्या होती हैं, यानी होल नंबर्स क्या होते हैं, अगर हम लोग जो है इसमें प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर 0 को भी शामिल कर लें,
ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर हम लोग जीरो को भी शामिल कर लें तो इस तरह से जो संख्याओं का समुच्चय हमारा बनता है, एक जो सेट हमारा तैयार होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे हमारा नेचुरल नंबर्स क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 डैश, ये सब नंबर्स क्या है, हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। इसी में अगर हम जीरो को भी शामिल कर लें, यानी अब कहाँ से काउंट करना शुरू करें, जीरो से, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डैश, इस तरह से सबको गिनना शुरू करें तो ये सभी नंबर्स हमारे क्या हो जाएंगे, ये सभी हमारे होल्स नंबर हो जाएंगे, ठीक है, यानी पूर्ण संख्याएं इनको हम लोग कहेंगे। तो याद रखिएगा कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याओं में नेचुरल नंबर से एक एलिमेंट अधिक होता है, और वो एलिमेंट कौन सा होता है, जीरो होता है, ठीक है। यानी इसमें जो नंबर्स लिखे गए हैं, जो 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से जो नंबर्स लिखे गए हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एलिमेंट बोल देते हैं। ये सब क्या है, इनके एलिमेंट हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स में क्या, 1 से शुरू होती हैं, तो इस वजह से होल नंबर में क्या होगा, एक एलिमेंट अधिक होगा। अगला है हमारा पूर्णांक संख्याएं, यानी पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, इंटीजर्स इनको बोला जाता है। इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं, तो इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं हमारी कौन सी हैं, 1, 2, 3, 4, 5 डैश, ये सब हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। और इन प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक संख्याएं, यानी इन सभी नंबर्स के आगे क्या, माइनस लगा दीजिए, यानी -1, -2, -3, -4 इस तरह से जो हमारे सब नंबर्स हैं, ये सभी नंबर्स, और इसी में क्या किया जाए, जीरो को भी शामिल कर लिया जाए। इसी में क्या किया जाए, जीरो को भी शामिल कर लिया जाए। तो इस तरह से जो हमारा पूरा एक सेट बनता है, इस पूरे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं, यानी पूर्णांक बोलते हैं। और इंटीजर को जो है आई से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। और इसको डिनोट करने का जो तरीका है, इस तरह से इसको डिनोट करते हैं, यानी इधर से लिखते जाएंगे -1, -2, -1, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 1, 2, 3, फिर -, इस तरह से पूरा एक सेट जो हमारा बना, ये किसका हो गया, ये हमारा इंटीजर का हो गया। या फिर इसी को लिखने का एक दूसरा तरीका होता है, ये इसको हम लोग प्लस माइनस के रूप में भी लिखते हैं, जैसे यहाँ पर ये लिखा गया है, ठीक है, +1, +2, -3, +4, ठीक है। इस तरह से भी आगे जितने भी नंबर्स होंगे, सभी संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लीजिए, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारा, तो ये हमारा बन जाता है पूर्णांक। अब आप लोग इसमें ध्यान दीजिएगा, जीरो के आगे प्लस माइनस नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है, जीरो जो है ये ना तो पॉजिटिव है और ना ही ये क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। ये ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, यानी जीरो ना तो धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक संख्या है। एक चीज आप लोग ये ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है, यानी किसी नंबर्स में, किसी भी नंबर में, ठीक है, अगर जीरो को हम जोड़ें या घटाएं, जीरो को जोड़ें या घटाएं, तो उससे उस नंबर में कोई भी प्रभाव होने वाला नहीं है, यानी वो नंबर का मान उतना का ही उतना रहेगा, ठीक है। जैसे अगर हम लोग एक में जीरो को जोड़ दें तो इसका भी मान एक ही रहेगा, या एक में जीरो को घटा दें तो इसका मान एक ही रहेगा। किसी भी संख्या में अगर आपको जीरो जोड़ना या घटाना है तो उसका मान जो है उतना ही रह जाता है। इसका मतलब क्या है कि जीरो जो है ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। अगला हमारा नंबर है सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं, तो आप लोग जानते ही होंगे, यानी जो दो से पूर्णता विभाजित हो जाए, ठीक है, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। जो दो से पूर्णता विभाजित हो जाएं, तो जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, जो भी नंबर्स हैं, ये सभी नंबर्स क्या होते हैं, 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो ये सभी संख्याएं कैसी संख्याएं होंगी, ये सभी संख्याएं सम संख्याएं होंगी। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि जो सम संख्याएं होती हैं वो 2 के गुणक के रूप में होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, 2 के गुणक के रूप में होती हैं। जो भी संख्या 2 के गुणक के रूप में होगी वो संख्या अवश्य ही 2 से विभाजित होगी। अगर वो 2 से विभाजित हो रही है तो जाहिर सी बात है वो कैसी संख्या होगी, तो वो सम संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करते हैं एक की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं एक की, एक कैसी संख्या है, सम संख्या है कि नहीं है, ठीक है। तो अब आप क्या कीजिए, एक में 2 से डिवाइड कीजिए, तो 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, ठीक है, ये डेसिमल में आ जाएगा, ठीक है, डेसिमल में आ जाएगा। तो अतः एक हमारी कैसी संख्या हो गई, सम संख्या नहीं है, ये कैसी संख्या हो गई, ये हमारी विषम संख्या हो गई, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि एक सम है कि विषम है, तो याद रखिएगा एक कैसी संख्या है, विषम संख्या है। अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो याद रखिएगा सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है 2,
ठीक है। और अगर आपसे बात करी जाए कि सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी है, तो इसकी बात नहीं की जा सकती। सबसे बड़ी कोई बहुत बड़ी कोई संख्या हो सकती है, ठीक है, तो उसकी बात हम लोग नहीं कर सकते। तो सिर्फ छोटी सम संख्या की बात करते हैं, तो सबसे छोटी सम संख्या जो है वो कौन सी होती है, दो होती है। अगर हम लोग विषम संख्या की बात करें कि विषम संख्याएँ क्या होती हैं, तो विषम संख्याएँ जो दो से विभाजित ना हों, ठीक है, जो संख्याएं दो से विभाजित ना हो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। यानी जो संख्याएं दो के गुणक के रूप में नहीं होती, जो संख्याएं दो के गुणक के रूप में नहीं होती हैं, ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, दो से विभाजित नहीं होती, इस वजह से वो संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम बात करें 3, 5, 7, इन सभी नंबर्स की अगर हम बात करें, ये सभी नंबर जो हैं ये दो से विभाजित नहीं होते, इस वजह से ये सभी संख्याएं कैसी हैं, विषम संख्याएं हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, तो क्या हो जाएगा इसमें हमारा आंसर, तो इसमें हमारा एक हो जाएगा, क्योंकि एक जो है दो से विभाजित नहीं होता है, ठीक है। अगर पूर्णता विभाजित करने में जाएंगे तो ये डेसिमल में नंबर आ जाएगा, तो ध्यान रखिएगा आपको डेसिमल में डिवाइड नहीं करना है, ठीक है, ये आपको पूर्णांक में ही डिवाइड करना है, डेसिमल में डिवाइड नहीं करना है। अगला है हमारा परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, यानी रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो ऐसी संख्याएं जिनको पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके, पी बाई क्यू के रूप में। लेकिन याद रहे हम लोगों को हमेशा कि क्यू डज नॉट इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी यहाँ पर अंश बटे हर के रूप में, पी बाई क्यू के रूप में कहने का मतलब क्या है कि जिन संख्याओं को हम अंश बटे हर के रूप में व्यक्त कर सकें, अंश बटे हर के रूप में व्यक्त कर सकें, ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। पर याद रहे यहाँ पर हर जो होता है इस भिन्न का, वो हर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हर जीरो हो जाएगा तो उस भिन्न का मान इन्फाइनाइट हो जाएगा, उस भिन्न का मान कितना हो जाएगा, इन्फाइनाइट हो जाएगा, तो इस वजह से हर का मान जो है जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्याएं कहेंगे, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं 2/5 की, तो 2/5 कैसी है, परिमेय संख्या है। अगर हम बात करें 7 की, तो 7 क्या परिमेय संख्या है कि नहीं, तो परिमेय संख्या होने के लिए कंडीशन क्या है कि इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाना चाहिए, तो 7 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं, तो यानी ये भी क्या है, पी बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकती है, अतः 7 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसी तरह से 3 भी, 2 भी, ये भी क्या है, परिमेय संख्याएँ हैं। और फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की, कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, यानी इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो जिन संख्याओं को हम p बाई क्यू के रूप में ना लिख सकें, ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते, ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं √2 की, ठीक है, तो √2 को हम जो है p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है, पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, तो इस वजह से जो है √2 कैसी है, हमारी अपरिमेय संख्या है। ध्यान रखिएगा आप लोगों से पाई अक्सर पूछा जाता है कि पाई कैसी संख्या है, ठीक है, तो याद रखिएगा पाई अपरिमेय संख्या है, इसको आप लोग हमेशा याद रखिए, ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि पाई कैसी संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय, ठीक है। और फिर आप लोगों को एक चीज़ और भी ध्यान रखना होगा, जो पाई का मान 22/7 होता है, पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है, और पूछ लिया जाता है कि 22/7 कैसी संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, तो ध्यान रखिएगा कि 22/7 जो है ये परिमेय संख्या है, कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। पाई का मान 22/7 होता है, इस वजह से जो है बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि पाई अगर अपरिमेय है तो 22/7 भी अपरिमेय होगा, पर ऐसा नहीं है, 22/7 जो है वो परिमेय संख्या है और पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है। अगर दोनों के मूल मान की अगर हम बात करें, तो दोनों के मान में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से 22/7 परिमेय हो जाती है और पाई जो होता है वो अपरिमेय हो जाती है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं होंगी, 2 और 3 के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं होंगी, अगर आपसे क्वेश्चन कर लिया जाता है, तो इसको बताने के लिए आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पर जो 2 दिया गया है 2 का वर्ग कर दीजिए, और यहाँ पर जो 3 दिया गया है 3 का वर्ग कर दीजिए, ठीक है, तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4, और फिर उसके बाद जो है 3 का वर्ग हो जाएगा 9। अब बीच में जितनी भी संख्याएं आएंगी, वो सभी संख्याएं क्या होंगी, आपकी अपरिमेय संख्याएं होंगी, उन सभी का रूट अपरिमेय होगा। तो इसके बीच में कौन कौन सी संख्या आएगी, 5 आएगी, 6 आएगी, 7 आएगी और 8 आएगी, ठीक है, तो इन सभी का रूट, यानी √5, √6, √7, √8, ये सब संख्याएं कैसी संख्याएं होंगी, ये सब की सब अपरिमेय होंगी, कैसी होंगी, अपरिमेय होंगी, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है हम लोगों का वास्तविक संख्या, यानी रियल नंबर्स क्या होते हैं,
ठीक है। तो रियल नंबर्स की अगर हम लोग बात करें तो जिन संख्याओं को हम नंबर रियल नंबर लाइन पर दर्शा सकें वो सभी की सभी संख्याएं कैसी होती हैं, रियल नंबर्स होती हैं यानी वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं, जिन संख्याओं का वर्ग करने पर धनात्मक संख्याएं प्राप्त होती हैं, ठीक है, उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। याद रखिएगा, वर्ग करने पर कैसी संख्या हमको प्राप्त होनी चाहिए, तो धनात्मक संख्या अगर प्राप्त हो जाए तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। दूसरों शब्दों में हम कहें कि जिन संख्याओं को हम वास्तविक संख्या रेखा पर यानी रियल नंबर लाइन पर दर्शा सकें वो सभी संख्याएँ क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएँ होती हैं, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और इनका रेंज कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होता है, ठीक है। यानी किसी भी नंबर लाइन पर, ये कोई हमारा नंबर लाइन है तो यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी, इसके बीच में जितने भी नंबर्स हैं, बीच में ज़ीरो आपका आएगा, इसके बीच में जितने भी नंबर्स हैं सभी को अगर आप दर्शा सकते हैं, जितने भी नंबर्स को, वो सभी नंबर्स क्या होंगे, आपके रियल नंबर्स होंगे। कैसे नंबर्स होंगे, रियल नंबर्स होंगे। अगर हम यहाँ पर बात करें कि रूट में माइनस चार किस प्रकार की संख्या है, ये वास्तविक संख्या है कि नहीं है, तो यहाँ पर परिभाषा क्या दिया गया कि उस संख्या का आप वर्ग कर दीजिए, तो हम इसका वर्ग कर देते हैं, तो वर्ग करने पर कितना मिलेगा, माइनस चार मिलेगा, और मिलना क्या चाहिए हमको, एक धनात्मक संख्या मिलनी चाहिए, तो क्या मिली है हमको, ऋणात्मक संख्या मिली है। इस वजह से रूट में माइनस चार कैसी संख्या होगी, ये हमारी वास्तविक संख्या नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारी वास्तविक संख्या नहीं होगी। अगर ये वैल्यू हमको धनात्मक मिलती, अगर हम बात करें रूट टू की, अगर हम बात करें रूट टू की और इसका हम वर्ग कर दें, तो वर्ग करने पर हमको कितना मिलेगा, दो मिलेगा। दो कैसी संख्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये हमारी एक वास्तविक संख्या है। तो याद रखिएगा, आपके वास्तविक संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं, आपके पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, फिर उसके बाद रूट वाली संख्याएं भी आ जाती हैं, फिर उसके बाद जो है डिवाइड वाली संख्याएं भी आ जाती हैं, और डेसिमल वाली संख्याएं भी आ जाती हैं। इन सभी संख्याओं को मिला करके जो है रियल नंबर बनता है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम देखें इस डायग्राम को, ये जो डायग्राम बना हुआ है इसमें देखें तो ये क्या बना है, ये नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि नेचुरल नंबर में अगर ज़ीरो को हम शामिल कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा, यानी नेचुरल नंबर प्लस जीरो को मिला लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, होल नंबर का सेट और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए नेचुरल नंबर के ऊपर आ गया। और फिर उसके बाद जो यहाँ पर आई लिखा है, इंटीजर, इंटीजर का सेट देख रहे हैं और भी ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर जो है नेचुरल नंबर और होल नंबर और उनके नेगेटिव नंबर्स को भी शामिल किया गया है, ठीक है। इस वजह से ये भी नंबर्स इसमें शामिल हो जाते हैं, तो इस वजह से यहां पर जो है आई का सेट और भी बड़ा हो गया है। और फिर उसके बाद अगर हम रियल नंबर्स की बात करें तो इन सभी संख्याओं को मिलाकर के, यानी नेचुरल नंबर, होल नंबर और फिर उसके बाद जो है इंटीजर, इन सभी नंबर्स को मिलाकर के अगर हम बात करें तो पूरा ये सेट हमारा किसका बनता है, ये रियल नंबर्स का बनता है, ठीक है। तो आप लोगों को शॉर्ट में याद रखने के लिए ये डायग्राम बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि NWIR, ठीक है, NWIR यही सीक्वेंस अगर केवल आप लोग याद रख लेते हैं तो आसानी से आपको पूरा जो है नंबर सिस्टम की परिभाषाएं याद रहेंगी। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्याएँ कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्याएँ वह संख्याएँ होती हैं जो केवल एक या स्वयं से विभाजित हों और किसी संख्या से विभाजित ना हों, ठीक है, तो वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, दो की अगर हम बात करें तो दो जो है केवल स्वयं से विभाजित होगी, या तो एक से विभाजित होगी और किसी नंबर से विभाजित नहीं होगी, इस वजह से दो कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। इसी तरह से बात करते हैं अगर तीन की, तो तीन कैसी संख्या है, तो तीन जो है एक से, केवल एक से सभी संख्याएँ विभाजित होती हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, एक से सभी संख्याएँ विभाजित होती हैं। और फिर उसके बाद जो है तीन केवल तीन से विभाजित होगी और किसी नंबर से विभाजित नहीं होगी, इसी वजह से तीन भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। इसी तरह से अगर हम 17 की बात करें तो 17 भी एक से तो विभाजित होती ही है, और फिर उसके बाद 17 केवल 17 से ही विभाजित होगी और किसी नंबर से विभाजित नहीं होगी, तो ध्यान रखिएगा 17 भी कैसी संख्या हो गई, ये भी अभाज्य संख्या हो गई। अगर हम बात करते हैं 31 की, तो 31 भी क्या है, केवल स्वयं से विभाजित है और एक से सभी संख्याएं विभाजित होती हैं, तो एक से ये भी विभाजित हो जाएगी और ये केवल 31 से ही विभाजित होगी, इस वजह से 31 भी हमारी कैसी संख्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। अभाज्य संख्याओं के बारे में अगर हम कुछ बात करें तो एक की अगर हम बात करें, एक जो है कैसा नंबर है, ठीक है, भाज्य है कि अभाज्य है, कैसा है, तो याद रखिएगा एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है,
ये चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम अभाज्य संख्याओं के मासा की बात करें, ठीक है, HCF की बात करें, तो इनका HCF हमेशा एक होता है, क्योंकि इन नंबर्स को हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। जो अभाज्य नंबर्स होते हैं इनको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। जैसे दो का अगर हमको फैक्टर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, एक गुणे दो। ठीक है, तो इनका और कोई अन्य फैक्टर होता ही नहीं है, इस वजह से इनका HCF जो है हमेशा एक होता है। और फिर उसके बाद अगर हम अभाज्य संख्याओं के LCM की बात करें कि LCM क्या होता है, जैसे हम बात करते हैं दो और तीन का LCM, तो दो और तीन का LCM क्या होगा, इन्हीं का मल्टीप्लीकेशन यानी इन नंबर्स का गुणनफल ही क्या होता है, इनका LCM होता है। तो याद रखिएगा इनका LCM क्या होता है, इन संख्याओं का गुणनफल ही होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद इसमें बात करें कि अभाज्य संख्याएँ जो होती हैं इनका फैक्टर नहीं किया जा सकता है, अगर फैक्टर कर भी सकते हैं तो वो नंबर स्वयं होगा या फिर एक होगा, इसके अलावा और कोई इसका फैक्टर नहीं होगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपसे यहां पर प्रश्न पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो याद रखिएगा वो कौन सी है, दो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और आपसे इससे पहले भी एक प्रश्न पूछा गया कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, वो भी दो ही है। तो आप दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा कि दो भी क्या होती है, दो से विभाज्य होती है, इस वजह से ये सबसे छोटी सम संख्या है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, दो, दो जो है केवल और केवल दो से विभाज्य होती है, इस वजह से ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। अगला नंबर है हमारा काल्पनिक संख्याएँ क्या होती हैं, तो काल्पनिक संख्याएँ जो होती हैं ये ऋणात्मक संख्याओं के जो वर्गमूल को प्रदर्शित करें, ठीक है, ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल को क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, किसी भी ऋण संख्या का अगर वर्गमूल निकाला जाता है तो क्या होती हैं, काल्पनिक नंबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर -4 दिया गया है एग्जाम्पल के तौर पर, तो आप लोग इसका जो है -2 मत बोलिएगा, ठीक है, क्योंकि 4 का वर्गमूल तो 2 होता है लेकिन -4 का वर्गमूल -2 नहीं होता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। -4 कैसी संख्या है, -4 एक काल्पनिक संख्या है, कैसी संख्या है, एक काल्पनिक संख्या है। ठीक है, ऐसे नंबर्स या फिर इनको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा यहां पर जो है अगर हम क्वाड्रेंट बनाएं यानी चतुर्थांश बनाएं, ये एक्स एक्स डैश और ये क्या होता है, वाई वाई डैश। ठीक है, तो इसमें जो एक्स एक्स डैश होता है ये हमारा रियल एक्सिस होता है, वाई वाई डैश क्या होता है, ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस होता है। तो यहां पर इमेजिनरी एक्सिस पर जिन नंबर्स को हम फाउंड करें यानी प्राप्त करें, वो सभी नंबर्स क्या होते हैं, हमारे इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। तो ये सभी नंबर्स जो होंगे कहाँ पर पाए जाएंगे, तो ये हमारे इमेजिनरी एक्सिस पर पाए जाने वाले नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है रूट में जो -4 है, -4 भी एक काल्पनिक संख्या है, रूट में कोई भी माइनस की संख्या अगर आती है तो हम उसको काल्पनिक संख्या कहते हैं। अगर इनको हम लिखना भी चाहें तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं रूट में -4, इसको हम लिख सकते हैं रूट में -4 को रूट में 4 गुणे रूट में -1, रूट में -1। तो रूट में 4 को हम लिख सकते हैं 2, और यहाँ पर रूट में -1 को इस पूरे वैल्यू को हम बोल देते हैं आई, क्या बोल देते हैं आई, आई का मतलब क्या होता है, आयोटा। ठीक है, आयोटा से प्रदर्शित कर देते हैं, यानी आई से प्रदर्शित कर देते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2i, और ये हमारा कैसा नंबर होता है, ये हमारा एक काल्पनिक नंबर होता है, कैसा होता है, काल्पनिक नंबर होता है। तो याद रखिएगा कि काल्पनिक नंबर्स कौन सी होती हैं, तो रूट में माइनस वाली जो संख्याएँ होती हैं वो कैसी नंबर्स होती हैं, वो सभी काल्पनिक नंबर होती हैं। और फिर उसके बाद अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें यानी सम्मिश्र संख्याओं की बात करें कि सम्मिश्र संख्याएँ क्या होती हैं, तो वास्तविक संख्याओं और फिर उसके बाद काल्पनिक संख्याओं से मिल करके जो संख्या बनती है, किन किन नंबर से, रियल नंबर से और फिर उसके बाद इमेजिनरी नंबर से जो नंबर्स बनते हैं, उन सभी नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं हमारे पास कोई एक रियल नंबर है जैसे 3, और फिर उसके बाद कोई एक इमेजिनरी नंबर है हमारे पास 2i, अगर इन दोनों को हम आपस में जोड़ दें तो इन दोनों के संयोजन से जो ये हमारा नंबर बना 3+2i, ये हमारा कैसा नंबर है, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसा नंबर है, कॉम्प्लेक्स यानी सम्मिश्र संख्या है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एग्जांपल आपको दिया गया है 3+√-2, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3+√i। ठीक है, और याद रखिएगा आई का मान कितना होता है, तो आई का मान रूट में -1 होता है, कितना होता है, रूट में -1 होता है। अगर आपसे पूछा जाए आई स्क्वायर का मान कितना होगा, तो दोनों साइडों का वर्ग कर दीजिए तो इधर से रूट हट जाएगा, तो कितना बचेगा, -1, यानी
आई स्क्वायर का मान कितना होता है, माइनस वन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस रूट 5 पाई लिख सकते हैं इसको, और इसको क्या लिख सकते हैं, 7 प्लस रूट में माइनस 3 को, तो इसको लिख सकते हैं 7 प्लस रूट 3 आई। ठीक है, और ये सभी नंबर्स कैसे नंबर्स हैं, ये सभी के सभी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। और एक चीज़ आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखा है 3 प्लस रूट आई, रूट 2 आई। ठीक है, अगर इसका हम कंजुगेट की बात करें, यानी संयुग्मी नंबर की बात करें, ठीक है, किसकी, संयुग्मी नंबर की बात करें, तो संयुग्मी नंबर इसका क्या होगा, तो आपको सिर्फ क्या कर देना है, जहां प्लस है वहीं पर माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस रूट 2 आई, ये इसका संयुग्मी हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसी तरह से अगर हम बात करें 7 प्लस रूट 3 आई, 7 प्लस रूट 3 आई, और इसके संयुग्मी नंबर की अगर हम बात करें, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा 7 माइनस रूट 3 आई। आपको क्या करना है, जहां पर प्लस है वहां पर माइनस कर देना है, अगर कहीं पर माइनस है तो उसको आप लोग प्लस कर दीजिए। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं यहां पर कि 4 प्लस 4 माइनस रूट में 2 आई, तो इसका कंजुगेट नंबर क्या होगा, इसका कंजुगेट यानी संयुग्मी नंबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस रूट 2 आई। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप लोग इसको ज़रूर सीख लीजिए, क्योंकि ये जो है सिंप्लीफिकेशन में और फिर उसके बाद नंबर सिस्टम में, इन दोनों में जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला हम बात करते हैं अपवर्तक या गुणनखंड के, यानी डिवाइज़र या फैक्टर क्या होते हैं। ठीक है, डिवाइज़र या फैक्टर क्या होते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कोई दी हुई संख्या जिन जिन संख्याओं से विभाजित हो जाए, जैसे अगर हम बात करते हैं किसी भी नंबर्स की, मान लेते हैं हम 16 की बात करते हैं, अब ये 16 किन किन नंबर से डिवाइड हो रहा है, किन किन संख्याओं से विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं एक से तो सभी संख्याएं विभाजित हो जाती हैं, दो से भी ये संख्या विभाजित है, तीन से देखेंगे नहीं है, फिर उसके बाद ये संख्या चार से भी विभाजित है, और फिर उसके बाद पाँच से नहीं है, छः से नहीं है, सात से नहीं है, फिर ये संख्या आठ से भी डिवाइड है। ठीक है, आठ के बाद फिर नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, इन सभी से नहीं डिवाइड है, फिर उसके बाद ये किससे डिवाइड है, ये जो है 16 से फिर विभाजित है। तो यहाँ पर 1, 2, 4, 8 और 16 ये जो नंबर्स आए, ये सब क्या हो गए, इसके अपवर्तक हो गए, 16 के अपवर्तक। तो 16 के अपवर्तक कौन कौन हो गए, 1, 2, 4, 8 और 16, तो ये सभी नंबर इसके अपवर्तक हो गए या फिर इसके गुणनखंड हो गए, याद रखिएगा। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं 15 की, तो 15 किन किन नंबर से डिवाइड होगा, तो 15 जो है एक से तो डिवाइड होगा ही, ठीक है, और फिर साथ में ये तीन से भी डिवाइड होगा, फिर पाँच से भी डिवाइड होगा, और पाँच के बाद फिर ये 15 से डिवाइड होगा। इसी तरह से अगर हम 20 की बात करें, तो 20 जो है ये किन किन नंबर से डिवाइड होगा, तो 20 जो है देख रहे हैं एक से तो डिवाइड होगा ही, साथ में दो से भी डिवाइड होगा, फिर ये तीन से नहीं होगा, फिर ये चार से डिवाइड होगा, फिर पाँच से भी डिवाइड होगा, फिर छः से नहीं होगा, सात से नहीं होगा, आठ से नहीं, नौ से भी नहीं, दस से ये डिवाइड होगा, दस के बाद ये सीधा किससे, बीस से डिवाइड होगा। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी बीस के अपवर्त तक हैं, याद रखिएगा 20 के ये सभी क्या हैं, अपवर्तक हैं। और इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों से जो है कभी कभी हमेशा जो है एक क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि 20 के अपवर्तकों की संख्या बताइए कि किसके कितने अपवर्तक हैं। तो 20 के कितने अपवर्तक हैं, यहाँ पर गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कितने अपवर्तक हैं इसके, तो इसके 6 अपवर्तक हैं। तो इसी तरह से अगर आप लोगों को पता है कि अपवर्तक क्या होता है, तो उनके तुरंत आप लोग जो है अपवर्तक ज्ञात कीजिए, और फिर उसके बाद जो है उनको गिन करके आप अपना आंसर टिक कर दीजिए। अगला है गुणज क्या होता है, यानी मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल की अगर हम बात करें, तो किसी भी संख्या का मल्टीपल अगर हम लोग ज्ञात करना है चाहते हैं, तो उस संख्या में पहले एक का गुणा कीजिए, फिर दो का गुणा कीजिए, फिर तीन का गुणा कीजिए, फिर चार का गुणा कीजिए, और इस तरह से जो संख्याएं हम लोगों को प्राप्त होती रहेंगी वही संख्याएं क्या होती हैं, दी गई संख्या का मल्टीपल होती हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 15 की, तो 15 में पहले हम एक का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 15 आ जाएगा, तो एक मल्टीपल ये हो गया। अगर दूसरा मल्टीपल हमको ज्ञात करना है तो दो का गुणा कर देंगे तो 30 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हमको तीसरा मल्टीपल पता करना है तो तीन से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हमको चौथा मल्टीपल इसका पता करना है तो क्या करेंगे, चार से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और इसी तरह से अगर हम लोग इसमें पाँच का गुणा कर दें, यानी पाँचवा मल्टीपल हमको ज्ञात करना है, तो कितना आ जाएगा इसमें हमारा, 75 आ जाएगा। और इसी तरह से अगर हम लोगों को nवां मल्टीपल ज्ञात करना है तो n का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 into n। ठीक है, तो याद रखिएगा जो भी मल्टीपल आपको बताना है, जो भी नंबर का मल्टीपल, उसमें उस नंबर में उससे गुणा कर दीजिए सीधा सीधा, तो आपको उस मल्टीपल का मान आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर यहां से आप लोगों को बताना हो कि इसका सबसे बड़ा मल्टीपल कौन सा है, ठीक है, 15 का सबसे बड़ा मल्टीपल कौन सा है, तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि n का मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि n का मान जो है ये कुछ भी हो सकता है, और इसमें
सबसे बड़े मल्टीपल की बात नहीं की जा सकती। अगर सबसे छोटे मल्टीपल की बात करी जाए तो सबसे छोटे मल्टीपल में एक का गुणा करने से जो हमको संख्या प्राप्त होती है, जैसे 9 के सबसे छोटा मल्टीपल 9 होगा, 3 का सबसे छोटा मल्टीपल 3 होगा, 2 का सबसे छोटा मल्टीपल 2 होगा, 15 का सबसे छोटा मल्टीपल 15 होगा। तो यहाँ पर हम लोग एक पैटर्न पा रहे हैं क्या कि किसी भी संख्या का सबसे छोटा मल्टीपल स्वयं वह संख्या ही होती है। ठीक है, किसी भी संख्या का मल्टीपल जो होता है, सबसे छोटा मल्टीपल जो होता है स्वयं वह संख्या ही होती है। तो ये चीज़ आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है, मल्टीपल होता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करते हैं अपवर्तक की, ठीक है, जैसे 15 के अपवर्तक की अगर हम बात करें, ठीक है, तो 15 का अपवर्तक क्या होता है, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं हम, अपवर्तक की बात करने जा रहे हैं। तो 15 का अपवर्तक क्या होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, और फिर उसके बाद क्या होता है, 15 होता है। ये 15 का अपवर्तक हो गया। तो यहाँ पर अपवर्तकों की संख्या क्या है, लिमिटेड है। ठीक है कि अपवर्तकों की संख्या फिक्स है, लेकिन यहाँ पर जो है गुणजों की संख्या यानी मल्टीपलों की संख्या फिक्स नहीं है, ये अनलिमिटेड है। ठीक है, ये भी चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, अपवर्तक और मल्टीपल में दोनों में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस भी आप लोग याद रखिएगा। ये जो है हम लोग LCM और SCF वाले कॉन्सेप्ट में इसका प्रयोग करेंगे। अगला है हम लोगों का जातीय मान ज्ञात करना। किसी भी संख्या का जातीय मान अगर हम लोगों को बताना है, ठीक है, तो देखिए किसी अंक का जो अंकित मान होता है वही क्या होता है, उसका जातीय मान यानी लोकल वैल्यू होता है। जैसे कोई भी नंबर लिखा हो, कहीं पर 342 लिखा है, तो इसमें अगर हम लोगों को बताना है कि 4 का यहाँ पर जातीय मान बताइए, तो 4 का जातीय मान जो छपा है वही सीधा सीधा होता है, जो छपा हुआ है वही सीधा सीधा वही उसका मान होता है जातीय मान, याद रखिएगा। ठीक है, यानी अंकित मान ही किसी भी संख्या में जो नंबर छपा है वही मान क्या होता है, जातीय मान होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 342 में 4 का जातीय मान क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि 4 जो छपा होता है वही उसका जातीय मान होता है। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं स्थानीय मान की, यानी प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो ये स्थान के आधार पर निर्धारित होती है। ठीक है, किसी भी संख्या में कोई भी नंबर जो है वो किस स्थान पर है, इस चीज़ पर निर्भर करता है उसका प्लेस वैल्यू। ठीक है, यानी स्थानीय मान। ठीक है, अगर यहाँ पर हम बात करते हैं 342 की, तो 342 में अगर हम 4 को देखें तो 4 किस स्थान पर है, तो 4 देख रहे हैं ये दहाई के स्थान पर है, यानी इसमें 10 का गुणा किया जाएगा तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, तो इसका स्थानीय मान 40 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर ध्यान रखें। ये क्या हो गया हमारा 40 कैसा मान है, ये स्थानीय मान है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है 4 क्या है, 4 क्या है, ये जातीय मान है। तो दोनों में आप लोग डिफरेंस पता करके चलिए, क्योंकि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे 342 में 4 का स्थानीय मान और जातीय मान के बीच में अंतर कितना है, इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। तो इसका स्थानीय मान देख रहे हैं 40 है और जातीय मान कितना है, 4 है, तो आपको अंतर बताना होता है। तो अंतर कितना हो जाएगा, तो 40-4 यानी कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके टाइप, क्वेश्चन के टाइप के बारे में। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।